अब जो टॉपिक हमने शुरू करना है वो डायरेक्ट डिजाइन मेथड है। इस मेथड में बेसिकली जो स्लैब के ऊपर हमारे लोड्स आ रहे होते हैं उनको हम यूजिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स डिफरेंट स्लैब की प्लेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उन डिस्ट्रीब्यूशंस का मकसद होता है ये है कि हम स्लैब के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर जो मोमेंट्स आ रही हैं वो हम कैलकुलेट कर सकें। एट द एंड हमने उन मूवमेंट्स की बेस के ऊपर ही रीइन्फोर्समेंट डिजाइन करनी होगी। डायरेक्ट डिजाइन मेथड को यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम हर केस के अंदर डायरेक्ट डिजाइन मेथड नहीं यूज कर सकते। सर्टेन हमें लिमिटेशंस चेक करनी होंगी डिजाइन करने से पहले कि क्या हम वाकई डायरेक्ट डिजाइन मेथड यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इन जनरल आपका जो पूरा फ्रेम है एटलीस्ट 3x3 का होना चाहिए। बाई 3x3 आई मीन के दो डायरेक्शन के अंदर हर डायरेक्शन में कम से कम 3 पैनल्स स्लैब के होने चाहिए। उसी केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब किसी भी एक साइड के ऊपर हमारे पास 3 से कम पैनल्स होते हैं तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड मूवमेंट्स को कह लो अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। तो इसलिए हम उस केसेस के अंदर डायरेक्ट डिजाइन मेथड नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो कोई भी पैनल आपके पास डिजाइन करने के लिए स्लैब का फ्रेम अगर आपके पास डिजाइन करने के लिए आता है तो सबसे पहले आपने उसमें यही देखना है कि उसकी डायमेंशंस क्या है। बाय डायमेंशन के एटलीस्ट 3x3 उसका पैनल्स हो, राइट? इससे ज्यादा जितने भी हों दैट्स ओके, इससे कम नहीं होने चाहिए। सेकंड हमारे पास लिमिटेशन है कि रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन किसी एक पैनल की 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स से हमारे पास एक ये स्लैब पैनल्स हैं कॉलम्स के दरमियान जो आ रहे हैं, एक साइड की और दूसरी साइड की रेशियो जो मैं लूंगा लॉन्ग साइड टू शॉर्ट साइड तो वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा जब होती है तो हमारे पास स्लैब मोस्टली एज अ वन वे स्लैब एक्ट करना शुरू कर देती है। तो इस लिमिटेशन का इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहा है कि आपकी स्लैब जो है वो एज अ 2-वे स्लैब बिहेव करनी चाहिए, तभी आप सिर्फ डायरेक्ट डिजाइन मेथड यूज कर सकते हैं। तो 1-वे स्लैब में हम डायरेक्ट डिजाइन मेथड नहीं यूज करेंगे। थर्ड हमारे पास लिमिटेशन है, सक्सेसिव स्पैन लेंथ्स इन ईच डायरेक्शन शेल नॉट डिफर बाय मोर देन 1/3 द लॉन्गर स्पैन। इसका मतलब यह है कि जैसे ये एक पैनल आ रहा है मेरे पास और उससे अगला सक्सेसिव पैनल एक और आ रहा है। अब पहले पैनल की का जो स्पैन है वो 19 फीट है और नेक्स्ट का 22 फीट। अब ये डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन इन दो के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 19 का 1/3 तकरीबन बनेगा 6.3 समथिंग, 6.33। तो 19 ± 6.33 तक अगर डिफरेंस आ रहा है ये नेक्स्ट का तो दैट्स ओके, लेकिन इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए डिफरेंस। फोर्थ हमारे पास है, कॉलम्स में बी ऑफसेट फ्रॉम द बेसिक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ अ बिल्डिंग बाय अप टू 0.1 टाइम्स द स्पैन पैरेलल टू द ऑफसेट। कि ये जो कॉलम्स हमारे पास लगे हुए हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर लगे हुए हैं, राइट? लाइक कॉलम लाइंस अगर मैं करूँ तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में हमारे पास कॉलम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही लगे हुए हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं फ्रेम के अंदर के जो कॉलम है हमारा, लेट से ये एंड कॉलम्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं लेकिन ये सेंटर कॉलम थोड़ा सा ऑफसेट हुआ हो, लाइक थोड़ा अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो। तो ये फोर्थ लिमिटेशन हमें कह दिया कि ये जो ऑफसेट है वो 0.1 टाइम्स कॉलम्स का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये 19 फीट है तो 19 का 0.1 टाइम्स बनता है डिवाइड बाई 10 करके 1.9 फीट। तो इस सेंट्रल कॉलम लाइन से 1.9 फीट डिस्टेंस के अंदर अंदर ये सारे कॉलम्स होने चाहिए, कोई भी कॉलम उस रीजन से बाहर नहीं होना चाहिए। ऑल लोड्स मस्ट बी ड्यू टू ग्रेविटी ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर प्लान।
स्लैब के ऊपर जितने भी लोड्स लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लोड्स होने चाहिए, कोई भी लेटरल लोडिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इसी के आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉलम्स जो आपका फ्रेम है वो ब्रेस्ड फ्रेम होना चाहिए, जो कि हमारा टिपिकली जो बिल्डिंग्स के अंदर होता है वो ब्रेस्ड ही होता है। तो अनब्रेस्ड फ्रेम्स, लिटरली लोडेड फ्रेम्स, फाउंडेशन मैट्स या प्रीस्ट्रेस स्लैब्स के अंदर हम ये मेथड नहीं यूज कर सकते। सिक्स पॉइंट है, सर्विस अनफेक्टेड लाइव लोड शेल नॉट एक्सीड टू टाइम्स सर्विस डेड लोड। सिंपल है कि जो लाइव लोड है वो टू टाइम्स डेड लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन टू एंड सेवन जो है वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को वन वे स्लैब्स के अंदर यूज़ कर सकें। डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को यूज़ करने से पहले आपने हमेशा इन सात लिमिटेशंस को लाजमी चेक करना है। ईजी टू रिमेंबर लिमिटेशंस जो हैं वो ये है कि आपकी स्लैब टू वे स्लैब होनी चाहिए और कम से कम 3x3 पैनल्स आपके फ्रेम के अंदर होने चाहिए और कॉलम्स लाइक ज़्यादा ऑफसेट नहीं होना चाहिए सेंटर लाइन से। लेकिन ये जो दो इम्पोर्टेंट हैं कि टू वे स्लैब होनी चाहिए और 3x3 से आपके पैनल्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्लैब डिज़ाइन करने से पहले आपने ये लिमिटेशंस एक दफ़ा देखनी है। ये फ्रेम अगर हम कंसिडर करते हैं कि फ्रेम है हमारे पास सही और फ्रेम में कॉलम्स आ रहे हैं और कॉलम्स के ऊपर हमारे पास स्लैब आ रही है और इस केस में एक एज बीम आ रही है। जब हम स्लैब पैनल की बात कर रहे होते हैं तो हम जो कंसिडर कर रहे होते हैं वो कंसिडर कर रहे होते हैं कॉलम्स के दरमियान जो एरिया बन रहा है हम उसको पैनल कह रहे होते हैं। इस केस में लाइक यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर बीम्स भी हो सकती हैं, हम लाइक पैनल हम कंसिडर कर रहे होते हैं जो हमारा एरिया बीम्स या कॉलम्स के अंदर इंक्लोज्ड होता है। लेकिन जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं स्लैब का डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड से तो हम पैनल कंसिडर कर रहे होते हैं जो हमारा कॉलम लाइन के अराउंड जो एरिया बन रहा है ना वो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस केस में जो हम डिज़ाइन करते हुए पैनल हम कंसिडर कर रहे होंगे वो दो कॉलम्स के दरमियान जो हमारा स्लैब आ रही है और उसके साइड्स के ऊपर हम कुछ डिस्टेंस कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पे एज अ शेडेड एरिया शो होगा। पैनल वन टू जब मैं स्लैब पर डिज़ाइन कर रहा हूँ कॉलम वन और टू के दरमियान तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं इस एरिया को डिफाइन करूँगा कि स्लैब पैनल में हमारा कौन सा एरिया आ रहा है। इस डायरेक्शन में तो सिंपल है सेंटर ऑफ कॉलम टू सेंटर ऑफ कॉलम तक। दूसरी डायरेक्शन में ये 21 फीट है तो इसका सेंटर और नीचे हमारे पास ये 20 फीट है तो इसका सेंटर, ये 20x2 और ये 21x2। तो जितना आपका ये डिस्टेंस बनेगा उसको आप कह रहे हो आपका एक स्लैब पैनल बन रहा है। तो सबसे पहले आप कोई भी पैनल जब आप डिसाइड करते हो कि अच्छा ये पार्ट में डिज़ाइन करूँगा एक फ्रेम के स्लैब के अंदर, सबसे पहले आपने ये वाली डायमेंशंस ड्रॉ कर लेनी है कि ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या आ रही हैं। अब इन डायमेंशंस में अगर देखो और जो कॉलम की सेंटर टू सेंटर वाली कॉलम लाइन की जो डायरेक्शन है हमारी जिस पैनल को हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें, इस केस में वन टू कॉलम्स के दरमियान जो पैनल आ रहा है उसके पैरेलल हमारी डायमेंशन बन रही है हमारे पास सेंटर टू सेंटर 22 फीट बन रही है। मुझे एक और डायमेंशन चाहिए कॉलम के फेस से लेकर इस दूसरे कॉलम के फेस तक जितना डिस्टेंस बन रहा है और उसको मैंने कह दिया है एल एन। तो अभी तक मैंने कॉलम अपने स्लैब का दो कॉलम्स के दरमियान पैनल डिसाइड किया कि कितना आ रहा है, उसकी ये एल टू डायरेक्शन डिसाइड की है और एल एन डायरेक्शन डिसाइड की है। फॉर सिंप्लिसिटी इस बुक के अंदर हमेशा जो सेंटर टू सेंटर कॉलम की डायमेंशन है उसको एल एन कहा हुआ है और उसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसको एल टू कहा हुआ है। ये यहाँ पे यूज होती है कि जब हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं
पूरे एक स्लैब पैनल के, इसी जो अभी मैंने यहाँ पे नीचे ये स्लैब पैनल यहाँ पे प्लान के अंदर बताया हुआ है, इसको यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव में देखो तो ये कॉलम टू कॉलम के दरमियान मेरे पास LN आ रहा है और ये दूसरी डायरेक्शन में L2 आ रहा है। तो पूरी बिल्डिंग जो मेरी फ्रेम बिल्डिंग होगी उसको मैं इस तरह के सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दूंगा, और इन सब कॉलम टू कॉलम के दरमियान जो मेरे पैनल्स बन रहे हैं इनको मैं अलग अलग डिजाइन करूंगा। सिमिलरली जो एज वाली कॉलम लाइन आ रही होगी उसमें एक ही साइड पर स्लैब आ रही होगी, तो मैं एक ही साइड वाली को डिजाइन करूंगा, मेथड हमारा सेम ही होगा। तो जब बीम के ऊपर UDL लगा होता है तो उसके अंदर हमारे पास मूवमेंट आती है लोड मल्टीप्लाई जो उसका डिस्टेंस होता है LN स्क्वायर डिवाइड बाय 8। सिमिलर फॉर्मूला ही बन रहा है कि पैनल के की जो स्टैटिक मूवमेंट आ रही होगी वो आ रही होगी W या Q LN स्क्वायर डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय L2 डायमेंशन। सो Q LN स्क्वायर डिवाइड बाय 8 फिर मूवमेंट आ गई पर फिट विड्थ के अंदर, उसको मैंने पूरी विड्थ के अंदर डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय L2 कर दिया। तो ये फॉर्मूला मेरे पास वहां से आ रहा है। जो हमारी स्टैटिक मूवमेंट होगी इसको हम स्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, स्लैब पैनल्स में हमेशा फॉर्मूला उसका यही होगा। कंफ्यूजन आपको यही होगी कि LN कौन सी डायमेंशन है, L2 कौन सी डायमेंशन होगी। LN रिमेम्बर कॉलम्स का फेस टू फेस डिस्टेंस है, जैसे ये अगर मेरा पैनल है इसका फेस टू फेस डिस्टेंस को मैं LN कह रहा हूँ, और जो जिस डायमेंशन में मैंने मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मेरी L2 आ रही है। तो यहाँ पे LN और L2 वाली डायमेंशन को हमेशा इसी तरह करके लिखना है। इस एग्जाम्पल में कंप्यूटर स्टैटिक मूवमेंट जो आ रही है स्टेटिस्टिकल मूवमेंट, उसमें सबसे पहले वही हमारे पास पैनल कॉलम्स बताया हुआ कि 1 2 के दरमियान जो पैनल है उसके अंदर आप मूवमेंट कैलकुलेट करें। तो पहले वही मैंने पैनल डिसाइड किया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस के बाद मैंने LN कैलकुलेट किया ये फेसेस हाफ कॉलम्स के माइनस करके, ताकि मेरा फेस टू फेस डिस्टेंस आ जाए कॉलम से। दूसरी डायमेंशन में मैंने पैनल्स का हाफ हाफ डिस्टेंस के ऊपर उसको कट करके ऐड किया तो मेरे पास L2 आ गया। अब मैं अगर मूवमेंट का वही फॉर्मूला लगाता हूँ तो Q लोड जो भी मेरे पास फैक्टर लोड आएगा 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, जो लाइव लोड और डेड लोड बाय द वे जो लगा होगा वो हमारे पूरे सब पैनल्स के ऊपर तकरीबन एक ही लगा होगा, राइट? क्योंकि यूजली यही होगा कि एक फ्लोर जो है वो अगर रेजिडेंशियल फ्लोर है तो पूरे पूरा का पूरा फ्लोर ही अगर रेजिडेंशियल है तो सबके ऊपर लाइव लोड और डेड लोड हमारा सेम ही हम टिपिकली यूज कर रहे होंगे, अनलेस कोई स्पेशल केस हो। तो इसका फायदा ये होगा कि जो सिमिलर पैनल्स हैं हमें वो सारे के सारे पैनल्स को अलग अलग डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, जो एक जैसे पैनल हैं वो हमारे एक ही जैसे डिजाइन होंगे। तो अगर मैं ये पैनल डिजाइन कर लेता हूँ ना तो इसके साथ वाला पैनल भी के अंदर भी रीइंफोर्समेंट वही आएगी। एट द एंड जिस तरह कॉलम्स के केस में हमें होते जो जिस डिफरेंट कॉलम्स होते हैं उनको डिजाइन करना होता है, स्लैब के अंदर भी हमें पैनल्स वाइज डिवाइड तो कर रहे होते हैं लेकिन डिजाइन हम सिर्फ वो वाले पैनल्स कर रहे होते हैं जो कि लाइक डिफरेंट हैं बाकी सब पैनल्स। तो एक जैसे पैनल्स को हम ग्रुप टुगेदर करके उसको सिर्फ एक ही दफा डिजाइन कर रहे होते हैं। एनीवे बैक टू दिस, हमारे पास अगर इस पैनल के अंदर मैंने मूवमेंट कैलकुलेट करनी है तो क्यू वो डेड लोड लाइव लोड करके मैंने कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई किया LN स्क्वायर से डिवाइड बाय 8 और फिर मल्टीप्लाई किया L2 से, तो वो मेरे पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी। इसमें यहाँ पे वो LN और L2 जिस तरह मैंने अभी बताया था उस तरह एड अप किया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे M0 निकल आया। डायरेक्ट डिजाइन मेथड में आप मैंने ये करना है
मैं इस एम नॉट के ऊपर ही सारी की सारी रिइंफोर्समेंट नहीं दे सकता, वो काफी ज्यादा ओवर डिजाइन हो जाएगी, क्योंकि इस पैनल के अंदर या कोई भी पैनल, ये ऊपर वाला पैनल ही देख लो, कॉलम टू कॉलम लोड इधर भी लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ है, लेकिन उसका बिहेवियर मेरे पास स्लैब बेंड हो रही है डिफरेंट, जब बेंड हो रही है तो डिफरेंट रीजन्स में मेरे पास डिफरेंट मूवमेंट आ रही होगी, सपोर्ट्स के ऊपर लाइक मेरे पास नेगेटिव मूवमेंट आ रही होगी, सेंटर में मेरे पास पॉजिटिव मूवमेंट आ रही होगी। तो मुझे ये जो एम नॉट मूवमेंट मैंने निकाली है अभी, उसको मैंने उन पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कहाँ पे कितनी पॉजिटिव, सपोर्ट के ऊपर कितनी लेट से नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, जो सेंटर में कितनी पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, क्योंकि एम नॉट मेरी पूरी रीजन के ऊपर लगी हुई है, तो जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करूंगा तो ये पूरी रीजन के ऊपर आ रही होगी। डायरेक्ट डिजाइन मेथड में अब आगे जो हमारी चीज रह गई है कि इस एम नॉट को हमने किस तरह इन डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है, तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट मैंने अभी बैठ के बनाया था वो दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि हमने सबसे पहले तो स्टैटिक मूवमेंट निकाल ली, ठीक है, कोई भी एक स्लैब है, लेट्स से कॉलम है जिसके ऊपर या बीम, चाहे इंटीरियर बीम्स भी चल रही हैं, सही है, हमारा प्रोसेस यही होगा। पैनल के अंदर, एक पैनल के अंदर स्टैटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, उस स्टैटिक मोमेंट को हम नेगेटिव मोमेंट एक एज के ऊपर, दूसरे एज के ऊपर नेगेटिव मोमेंट और सेंटर के ऊपर पॉजिटिव मोमेंट, इन तीन मोमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद इन तीन मोमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड करना है कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में। अभी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप क्या, कॉलम स्ट्रिप जो कॉलम की सेंटर टू सेंटर लाइन के इर्द गिर्द जो एरिया बन रहा है उसको हम कॉलम स्ट्रिप कहते हैं, और पैनल में जो बाकी एरिया बच जाता है उसको हम मिडल स्ट्रिप कह रहे होते हैं। जितने भी पैनल्स होंगे उसके अंदर मेरा फ्लो यही होगा, स्टैटिक मोमेंट मैंने कैलकुलेट करनी है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर हर नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट को मैंने मजीद फर्दर कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसके लिए पहले मुझे क्या चीज चाहिए कि कितनी मूवमेंट पॉजिटिव होगी कितनी नेगेटिव होगी, तो इंटीरियर स्पेंस जो पैनल्स होते हैं, इंटीरियर पैनल से केस में सिंपल होता है, जो नेगेटिव मूवमेंट सॉरी पॉजिटिव मूवमेंट आ रही होती है वो होती है हमेशा 35% ऑफ एम नॉट, और जो नेगेटिव मूवमेंट्स होती हैं सपोर्ट्स के ऊपर वो होती हैं 65%। तो पॉजिटिव मूवमेंट इंटीरियर पैनल के ऊपर निकालने के लिए मैं बस एम नॉट को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नेगेटिव मूवमेंट्स निकालने के लिए 0.65 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वो केस है जब हमारा स्पैन इंटीरियर स्पैन है। एक्सटीरियर स्पैन में हम ये वाला टेबल यूज कर रहे होते हैं। एक्सटीरियर स्पैन में आप ये देखो तो इंटीरियर नेगेटिव फैक्टर मूवमेंट, मिड स्पैन पॉजिटिव फैक्टर मूवमेंट और एक्सटीरियर नेगेटिव मूवमेंट। इंटीरियर स्पैन में नेगेटिव नेगेटिव और मिड स्पैन पॉजिटिव थी, एक्सटीरियर पैनल में हमें इंटीरियर एज मिड स्पैन और एक्सटीरियर एज पे डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही होंगी, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटीरियर मिड स्पैन एक्सटीरियर तीन अलग अलग दी हुई हैं। तो विदाउट बीम्स विद एज बीम तो ये वाला पैनल आ रहा है, तो इंटीरियर नेगेटिव मूवमेंट 0.70 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट, मिड स्पैन 0.50 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट और एक्सटीरियर 0.30 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स के लिए तो मैंने ये वाला टेबल सिंपली यूज कर लिया, देखा कि इंटीरियर स्पैन है या एक्सटीरियर स्पैन है। उसके बाद तो इस फ्लो में मेरा ये पहला वाला स्टेप तकरीबन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट बनता है कि कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप क्या होगी। कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस आ रहा है उसके इर्द गिर्द जो एल मिनिमम बाय 4 तक डिस्टेंस बन रहा होता है उसको हम कॉलम स्ट्रिप कह देते हैं, और उसके अलावा जो डिस्टेंस बन रहा होता है वो मिडिल स्ट्रिप बन जाता है।
वापस मैं इसी पैनल के अंदर आता हूँ ऊपर वाले। तो यहाँ पे मेरे पास एल एन जो है, सॉरी, इसका सेंटर टू सेंटर जो मेरे पास है वो 20 फीट है, और इस डायरेक्शन में 19 फीट है। तो 20 और 19 में से कम वाला डिस्टेंस 19 है, तो 19 डिवाइड बाई 4 तक इधर सेंटर लाइन से इस साइड पे कॉलम स्ट्रिप आ जाएगी। जब मैं सेंटर लाइन के इस साइड पे, कितना आगे तक जाएगी कॉलम स्ट्रिप? 20 और 22 फीट में जो कम वाली वैल्यू होगी 20 है, तो 20/4 इस साइड पे मेरे पास आ जाएगी। तो जो मिनिमम डायमेंशन होगी जिस साइड पे मैं देख रहा हूँ ना, सेंटर लाइन के जिस साइड पे देख रहा हूँ, उसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका 20 फीट मैंने देखा, अगर ये वाली मिनिमम है 19 फीट, तो उसी साइड के ऊपर वो 19/4 तक आगे जाएगा कॉलम स्ट्रिप। दूसरी साइड पे 20 वाली कम है 22 से, तो 20/4 आगे कॉलम स्ट्रिप जा रही होगी। और उसके अलावा जो बाकी डिस्टेंस बच जाएगा इसके सेंटर तक, वो मेरे पास मिडल स्ट्रिप्स आ जाएंगी दो साइड के। तो इस पैनल में मेरे पास सेंटर में कॉलम स्ट्रिप्स होंगी, मतलब एक ही कॉलम स्ट्रिप होगी कॉन्टिन्यूस, और दो साइड्स के ऊपर मिडल स्ट्रिप्स होंगी। हमारे पास ये नेगेटिव मूवमेंट्स आ रही होती हैं ऊपर, इनको कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप के लिए भी में भी डिवाइड करने के लिए हम सर्टेन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और वो फैक्टर्स भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे टेबल 13.3 देखूँ तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर नेगेटिव फैक्टर मोमेंट टू कॉलम स्ट्रिप, कि हमारे पास जो इंटीरियर नेगेटिव फैक्टर मोमेंट है उसको हम जब कॉलम स्ट्रिप के ऊपर डिवाइड कर रहे होंगे, तो मैंने देखना है L2/L1 रेशियो क्या है। वो रेशियो अगर 1 है, 2 है या 0.5 है, उस बेस के ऊपर मेरा डिफरेंट कॉलम आ रहा होगा। और दूसरी वैल्यू मैंने देखनी है अल्फा एफ इंटू L2/L1। तो इसके लिए हमारे पास ये α f1 वैल्यूज होनी चाहिए। α f1 वैल्यू क्या होगी? जब हमने ऊपर स्लैब थिकनेस कैलकुलेट की थी तो हर एच के ऊपर मैंने बताया था अल्फा एफ वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट? इस एच के ऊपर भी करेंगे, इस एच के ऊपर भी। ये अल्फा एफ वैल्यूज बेसिकली वहां से आ रही हैं। फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, अगर हमारे पास कोई बीम नहीं है कॉलम्स के दरमियान, लाइक इंटीरियर बीम्स हमारे पास कॉलम्स के ऊपर नहीं लगी हुई स्लैब में, तो उस केस में अल्फा एफ वैल्यूज हमारे पास जीरो ही आ रही होंगी। तो हम ये वाली डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। अगर बीम्स लगी हुई हैं तो फिर हमें ये अल्फा एफ वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेकंड केस जो टेबल है वो हमारे पास दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट टू कॉलम स्ट्रिप। नोट करो यहाँ पे भी कॉलम स्ट्रिप की मूवमेंट बता रहा है, मिडल स्ट्रिप में जो मूवमेंट बच जाएगी वो मिडल स्ट्रिप में चली जाएगी। मिड स्पैन के ऊपर जो मूवमेंट्स आ रही होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो भी सेम ही L2/L1 रेशोस और L5 वैल्यूज के ऊपर बेस हो रही है, वो यहाँ पे आ रही हैं। थर्ड कॉलम हमारे पास जो दिया हुआ है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटीरियर नेगेटिव फैक्टर मोमेंट टू कॉलम शेप। अगेन L2/L1 रेशियोज हम देखेंगे, और उस स्पेस के अंदर ऊपर हम ये वैल्यू देखेंगे कौन सा कॉलम यूज करना है। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल चीज आ रही है, सिर्फ एक्सटीरियर नेगेटिव फैक्टर मोमेंट को के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को निकालने के लिए वो β t वैल्यू आ रही है। अब β t वैल्यू डिपेंड कर रही है हमारी
क्योंकि एक्सटीरियर नेगेटिव फैक्टर मोमेंट है, तो एक्सटीरियर पैनल के अंदर अगर हमारे पास एच बीम है तो कोई हमारे पास बीटा टी वैल्यू होगी, और यहाँ पे बीटा टी वैल्यू का ऊपर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ई सी बी इंटू सी डिवाइड बाई टू ई सी एस इंटू आई एस। तो ये मेरे पास बीम एच बीम का ई सी वैल्यू है, ये स्लैब की ई सी वैल्यू है, और ई सी वैल्यू क्या होती है, वही 57,000 अंडर रूट एफ प्राइम सी। अगर तो मेरी स्लैब और बीम के अंदर सेम कंक्रीट स्ट्रेंथ यूज हुई है तो मतलब ये सेम ही होंगे, तो ये यहीं पे आप काट सकते हो। आई एस मेरे पास स्लैब का इनर्शिया, और स्लैब का मैंने जो पूरा स्पेन आ रहा है उसका आई एस वैल्यू आएगी, और सी वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई वैल्यूज क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पे इस इन दो सेक्शंस को देख रहा हूँ। इन दो सेक्शंस में बेसिकली एच बीम मेरे पास बनी हुई है, और एच बीम का जब हमने थिकनेस वाली वैल्यूज ऊपर निकाली थी तो वहां पे भी हमने एच बीम बताई थी कि कितनी आती है, राइट? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ना कि ये वाली डायमेंशन हमारी एच डब्ल्यू होगी बट नो मोर देन 4H, सेम प्रिंसिपल वहां पे भी अप्लाई होता है कि ये डायमेंशन कितनी होगी। तो हमारे पास लाइक डायमेंशन फेयरली, क्योंकि बीम की डायमेंशन भी हमें पता होती है, स्लैब की भी पता होती है, तो हम ये एक्स और वाई की वैल्यूज हम फेयरली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उस बेस के ऊपर दो ये वैल्यूज दी हुई हैं, एच बीम की शेप और डायमेंशन तो हमें ओवरऑल लाइक पता चल जाएगी, क्योंकि स्लैब की थिकनेस भी पता है हमें, बीम की थिकनेस भी पता है, और डायमेंशन पता है। अब सी वैल्यू के लिए मैं इस एच बीम को दो रेक्टेंगुलर्स में दो तरह डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो इस तरह करके यहाँ पे लाइन लगा के एक रेक्टेंगुलर दूसरा रेक्टेंगुलर, और एक मैं इस तरह करके यहाँ पे अगर लाइन लगाता हूँ तब भी डिवाइड कर सकता हूँ। दो से मैं दोनों से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, कंसिडरिंग के एक्स वन की वैल्यू लाइक फर्स्ट केस में एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू की ये वैल्यूज होंगी, और सेकेंड केस में जो इस फिगर में दी हुई है वो वाली वैल्यूज होंगी, एक्स वाई पहले इस रेक्टेंगल के लिए ये कैलकुलेट करूंगा, उसका सम करूंगा सेकेंड रेक्टेंगल के लिए, तो मेरे पास फर्स्ट केस के लिए सी आ जाएगा। सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा सेकेंड केस के लिए। इन दो में से जो वैल्यू ज्यादा होगी मैं वो वाली यूज दूंगा। यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक फजूल की एक किस्म की एक्स्ट्रा हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है कि हमें पहले इसके लिए सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस केस के लिए, और फिर इस सेकंड केस के लिए, और फिर इन दो में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको मैं यूज करूंगा। ये प्राइम एग्जाम्पल है उस तरह के केसेस में जहाँ पे अगर आपके पास एक्सेल के अंदर आप एक फॉर्मूला लगा दो और ताकि सी वैल्यू आप पहले से कैलकुलेट कर लो कि मैक्सिमम कौन सी आएगी। एनीवे अगर तो एच बीम नहीं है तो फिर हमारे पास ये बीटा टी वैल्यू जीरो होगी, तो दैट्स अनदर रीजन कि आप डिजाइन करते हुए एच बीम ना दें। अगर जीरो है, खैर जब सी वैल्यू आ गई, सी को मैंने इसमें डाला, उधर से बीटा टी वैल्यू आ गई, बीटा टी वैल्यू को देखा अगर 2.5 से ज्यादा है तो ये नीचे वाली वैल्यू यूज करूंगा, अगर तो 0 और 2.5 के दरमियान आ रही है तो मैं मुझे फिर वो इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। एनीवे ये तो हो गया कि हमारे पास फैक्टर्स हमने कैसे निकालने होते हैं, सही है? तो इन समरी हमने सबसे पहले स्टैटिक मूवमेंट निकाली, उसको हमने बेस्ड ऑन के इंटीरियर स्पैन था या एक्सटीरियर स्पैन था हमने नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इंटीरियर स्पैन था तो पॉजिटिव मोमेंट 35% ऑफ एम नॉट थी, और नेगेटिव मोमेंट 65% ऑफ एम नॉट थी। एक्सटीरियर स्पैन था तो हमें
टेबल यूज करना पड़ता 13-3, उसकी बेस के ऊपर हमने इंटीरियर नेगेटिव, मिड स्पैन पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट निकाल दी थी। उसके बाद हमने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप डिफाइन की। कॉलम स्ट्रिप थी जो एल मिनिमम दो डायमेंशन में डिवाइड बाई 4, सेंटर कॉलम की सेंटर कॉलम टू कॉलम जो सेंटर लाइन आ रही थी उसकी एक साइड के ऊपर एल्यूमिनियम बाय 4, दूसरी साइड के ऊपर भी एल्यूमिनियम बाय 4 करके। नेगेटिव मूवमेंट को कॉलम स्ट्रिप पे हमने डिवाइड किया यूजिंग द टेबल्स, पॉजिटिव मूवमेंट को भी कॉलम स्ट्रिप और नेगेटिव मूवमेंट को भी कॉलम स्ट्रिप्स के ऊपर डिवाइड किया यूजिंग ये जो तीन टेबल्स हैं इनको यूज करते हुए। तो इसका फायदा ये हुआ मेरे पास कि मुझे स्लैब में जैसे यहाँ पे ये कोई कॉलम टू कॉलम सेंट्रल लाइन है और उसमें ये कॉलम स्ट्रिप्स आ रही हैं और बाकी जो बच जाता है उसको हम हाफ मिडल स्ट्रिप कह देते हैं। इन मूवमेंट्स को कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिवाइड करने का फायदा हुआ ये हुआ कि मुझे इस रीजन के ऊपर अलग मूवमेंट मिल गई, इस रीजन के ऊपर अलग मूवमेंट मिल गई, सेंटर पॉजिटिव मूवमेंट जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कॉलम स्ट्रिप आ रही है एक सर्टन रीजन के ऊपर, सही है। अभी मैंने बता रहा कि कितने रीजन लाइक सर्टन रीजन के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। हाँ इसी तरह लाइक मिडल स्ट्रिप में भी इस रीजन में स्लैब के कोई और मूवमेंट आ रही है इधर के लिए भी मुझे मिल गई और इधर के लिए भी मिल गई। तो हमने बेसिकली किया ये है कि अपने पूरे पैनल को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया और उन रीजन्स के ऊपर हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आ गई मूवमेंट्स की। उन डिफरेंट वैल्यूज का हम ये कर सकते हैं कि हर रीजन के अंदर हम डिफरेंट रीइंफोर्समेंट्स एक्यूरेटली लाइक फेयरली एक्यूरेटली हम प्लेस कर सकते हैं उन मूवमेंट्स की बेस के ऊपर, बजाय इसके कि हम पूरी स्लैब के अंदर एम नॉट के हिसाब से मूवमेंट डाल रीइंफोर्समेंट डालते वो हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। हमने एग्जैक्टली देख लिया कि एम नॉट कहाँ कहाँ पे कितना कितना एक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमने रीइंफोर्समेंट डाल दी और ये भी हमें पता चला कहाँ पे हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डालनी है और कहाँ पे हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डालनी है और कितनी डालनी है। मूवमेंट से जब मूवमेंट आ जाती है तो उससे रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने वाला पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोसेस होता है लाइक जो हमने बीम्स के लिए कैलकुलेट किया था कह लो, लाइक डिफरेंट टेबल्स होते हैं ग्राफ्स होते हैं उनको देख के आप रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेते हो। मेन चीज होती है क्या आपकी जो मूवमेंट्स हैं कितनी मूवमेंट की बेस के ऊपर हमने रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है या डिजाइन मूवमेंट्स कह लो वो आ जाती है हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल 3 जो कि आपने अपने टाइम के ऊपर देखनी है इसका लिंक मैं लाइक साथ शेयर कर दूंगा बल्कि किया हुआ है आपके साथ क्लासरूम में। एग्जाम्पल में ये किया हुआ है कि वही कॉलम सी डी के दरमियान वाला पैनल हमने डिसाइड किया, कॉलम स्ट्रिप पहले डिसाइड की। इस केस में ये 14 फीट है, ये भी 14 फीट है और ये 13 फीट है, तो एल्यूमिनियम 13 फीट बन रहा था तो 13 फीट 2 इंचेस डिवाइड बाय 4 की है तो ये कॉलम स्ट्रिप्स आ गई हैं दो साइड्स के ऊपर, सही। उसके अलावा जो सेंटर तक डिस्टेंस बन रहा था उसको हमने हाफ मिडल स्ट्रिप कह दिया था, उस बेस के ऊपर ये पैनल डिवाइड हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप पहले इसको लाइक कॉलम स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप में डिवाइड कर दो। उसके बाद मैंने एल एन वैल्यू निकालनी है। एल एन के लिए ये L1 माइनस इस कॉलम का हाफ इस कॉलम का हाफ किया तो LN वैल्यू आ जाएगी। L2 के लिए मेरे पास इन दो वैल्यूज को सम करूंगा तो L2 वैल्यू आ जाएगी। उसकी बेस के ऊपर ये यहाँ पे वो किया हुआ M0 निकालूंगा, ये यहाँ पे M0 आ गया। इस फ्लो चार्ट को देखो तो यहाँ से आपको क्लियरली आएगा उस M0 को मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअल मेरे पास दो साइड्स के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट्स आ रही होंगी, यहाँ पे लाइक एक ही साइड पे उसने निकाला हो, एक सी वाली साइड पे नेगेटिव आ रही होगी, एक डी साइड पे नेगेटिव और मिड के ऊपर पॉजिटिव आ रही होगी।
उसने नेगेटिव में एक ही बार इसलिए किया हुआ क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस एज है, ये भी कॉन्टिन्यूस एज है, वो चाह रहा है कि एंड वाले को, एंड पे जो मूवमेंट आ रही है उसी को यूज कर लेगा डिवाइड बाई टू करके। लाइक दूसरे एज के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट इतनी ही आ रही होगी, तो इसलिए वो लाइक इधर से एक और एरो करके ये सेम वैल्यूज नहीं लिख रहा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दो साइड्स के ऊपर सेम मूवमेंट्स आ रही होंगी नेगेटिव वाली, पॉजिटिव मिड में आ रही होगी तो इसलिए उसने अलग किया हुआ है और एक ही नेगेटिव मूवमेंट को लेकर जा रहा है। तो एम नॉट से को मैं पॉजिटिव नेगेटिव में, क्योंकि ये इंटीरियर पैनल है तो 35% मेरे पास पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगी, 0.35 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट करूंगा तो पॉजिटिव मूवमेंट, 0.65 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट करूंगा तो नेगेटिव मूवमेंट। साथ उसने साइन नेगेटिव का बाद में खुद लगाया हुआ क्योंकि उसे पता है कि ये नेगेटिव मूवमेंट है, सपोर्ट के ऊपर है। इसलिए थर्ड स्टेप में अब इस नेगेटिव मूवमेंट को मैंने कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में करना है। तो नेगेटिव मूवमेंट को कॉलम स्ट्रिप में करने के लिए अगेन उसने टेबल देखा, क्योंकि ये इंटीरियर पैनल है और इंटीरियर पैनल में इंटीरियर पैनल नेगेटिव फैक्टर मूवमेंट टू कॉलम स्ट्रिप, कोई बीम नहीं है तो 75% उसने कॉलम स्ट्रिप नेगेटिव मूवमेंट कर दिए इंटीरियर पैनल में। इसी तरह मिडल स्ट्रिप की नेगेटिव मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप और पॉजिटिव मूवमेंट्स को भी उसने डिवाइड किया। यहाँ पे अगर देखो तो कॉलम स्ट्रिप वाला जो फैक्टर था 0.75 वो तो हमें ऊपर टेबल से आया था, मिडिल स्ट्रिप का कोई फैक्टर हमें टेबल से नहीं आया, जो बाकी बच जाती है ना मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप में जाने के बाद वो सारी की सारी मिडिल स्ट्रिप में जा रही है। तो 0.75 उधर का था तो 25 बच की परसेंट वो नीचे आ गई। इसी तरह पॉजिटिव मूवमेंट के लिए भी 0.6 फैक्टर आया टेबल से, टेबल 13-4 से, एज इंटीरियर बीम्स नहीं है तो ये वाली वैल्यू जीरो है, इससे सिंपल हो गया यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन। और जो मिडिल स्ट्रिप में वो मूवमेंट जा रही है जो बाकी बच जाएगी। तो लाइक प्रोसेस सिंपल सा है, सिस्टमेटिकली अगर उसको लेके चलो तो कुछ जगहों पे आपकी जो मिस्टेक होगी, आपको ये फैक्टर्स निकालते हुए कॉलम स्ट्रिप मिडिल स्ट्रिप क्या होनी चाहिए वो वाला पार्ट थोड़ा केयरफुली करो। डायमेंशंस में ये जो L1 L2 आपने किस डायमेंशन को कहना है वो भी केयरफुली करना पड़ेगा, कि सेंटर टू सेंटर जो कॉलम की लाइन है उसके पैरेलल डायमेंशन L1 होगी और उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन हमारे पास हमेशा L2 होगी, और LN हमारे पास फेस टू फेस डिस्टेंस होगा। ये तीन चार चीजें हैं जिनको आपने थोड़ा केयरफुली ध्यान से करना होता है, उसके अलावा लाइक डायरेक्ट डिजाइन मेथड में मूवमेंट्स कैलकुलेट करना हमारे पास इतना कोई इश्यू नहीं होता। तो ये हमारे पास लाइक डायरेक्ट डिजाइन मेथड की कैलकुलेशन है। अब आगे केसेस डिफरेंट हो सकते हैं कि दरमियान में अगर बीम्स आ जाती हैं तो क्या होगा, अगेन मेथड वही है, अगेन मेथड वही है, जस्ट लाइक केसेस डिफरेंट हो गए हैं। तो केसेस डिफरेंट होने से क्या होगा, हमारे पास फैक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे जो ऊपर वाले टेबल से हमें निकालने पड़ेंगे। अब इस केस में क्योंकि ये एज पैनल था, सही है, तो इसको वो सी वाली कैलकुलेशंस भी करनी पड़ी है यहाँ पे, राइट? तो इस एग्जांपल को भी देख लेना, 13-4, जिसको मैं अभी टच नहीं कर रहा लेकिन कैलकुलेशन सेम है, मैं एक दो देखोगे तो लाइक समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं समझ आती तो आप लाइक क्वेश्चंस मेरे से पूछ लेना, फिर एक दफा हम रिवाइज इसको फिर कर लेंगे अगली क्लास में भी। और एग्जाम्पल 13-3 जो मैंने अभी ओवरव्यू किया है उसको देख लो। तो सिंपल सी चीजें हैं, सिस्टमेटिकली अपने हिसाब से जो प्रोसेस बनाना है उस तरह करो। कैलकुलेशंस को अगेन मैं ये रिकमेंड करूंगा, कैलकुलेशंस जहाँ पे आपको रिपीट ना करनी पड़े वहाँ पे ना करो, लाइक सेम कैलकुलेशन ताकि बार बार आप ना करो। तो अपने माइंड में जो भी आपको फ्लो बनता है इन कैलकुलेशंस को करने का, उस हिसाब से इस प्रोसेस को डिफाइन करो।
सिस्टमेटिकली लेके चलो, जो चीजें मैंने बताई हैं कि जहां पे आपकी मिस्टेक हो सकती है उसको करते हुए थोड़ा ध्यान रखो, बाकी आप जिस तरह मर्जी अपने ऑर्डर के ऊपर कर लो, क्योंकि प्रोसेस हो जाएगा।